जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है, आभार है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े। कमेंट्स में आपको जय श्री महाकाल लिखना है, आप फेसबुक ट्विटर दोनों जगह हमसे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप अकेले में देखें, इसलिए कि इन चीज़ों को बिल्कुल आप पूरे अपने ईमानदारी से इन चीज़ों को फॉलो करें, ये चीज़ों को सोचें समझें और इन पर वर्क करें, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। हम आपके फ़ायदे की बात करते हैं, इसके अलावा कोई बात नहीं करें। हम ईश्वर से कनेक्टिविटी बनाने के लिए कई प्रयास करते हैं, मंदिर जाते हैं, ईश्वर का स्मरण करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, जो भी हमसे बन पाता वो करते हैं। लेकिन मैं एक आपको एक अलग रूटीन, एक चीज़ अलग बता रहा हूँ कि आप एक बार खुद को ईश्वर को समर्पण कर दें, आपकी हर चीज़, यहाँ तक कि आपका मन, विचार, शक्ति जो भी है वो आप भगवान को समर्पित कर दें कि हे ईश्वर, पूरी शिद्दत के साथ। क्या होता है, हम सिर्फ कह देते हैं लेकिन इस चीज़ को फॉलो नहीं करते। एक बार पूरी शुद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, आप पूरे समर्पण के साथ ईश्वर को कह दीजिए कि मैं आपके हवाले हूँ, मेरी हर क्वालिटी, मेरी हर अच्छाई, मेरी हर बुराई जो भी है मुझमें, सब आपके हवाले। आप देख पाएंगे आपका मन बिल्कुल हल्का हो जाएगा। अगर आपका मन बिल्कुल हल्का महसूस होता है तो समझिएगा कि आप बिल्कुल सक्सेस हुए और बिल्कुल आपने जो मैं कहना चाहता हूँ बिल्कुल सही तरीके से उसे फॉलो किया है। दूसरी बात है कि ईश्वर आपको बहुत सारे रास्ते दिखाएगा, बहुत सारे आपके मन में विचार आएंगे और आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव हो जाएगा। दुनिया में चाहे कितनी नकारात्मकता हो, लेकिन दूसरा जो इम्पैक्ट बता रहा हूँ कि आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाएगा। और अगर आपका एटीट्यूड, आपका स्वभाव, आपका सोचने का तरीका पॉजिटिव होता है तो दूसरी स्टेप में आप समझिए कि हाँ, हमने ईश्वर को, खुद को बहुत अच्छे से समर्पण कर दिया। अब उस समर्पण में आपकी जो आने वाली बुराइयाँ हैं, जो आने वाली दिन है, जो भविष्य है, उसकी चिंता आपको नहीं करना है, आपने खुद को हवाले कर दिया है। दूसरी बात, लक्ष्य जो है हमारा वो हमारी जगह है, हमें उन विचारों को एक्सेप्ट करना होगा जो हमारे मन में उस समय आते होंगे, क्योंकि वो विचार बिल्कुल शुद्ध, पवित्र, निष्पक्ष होंगे, जो आपके जीवन को रास्ता देगा। यहाँ किसी के पास जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, आपको ईश्वर हिंट देगा, आपको जैसा देखेंगे जिसमें आपको वो विचार मिलेंगे और आप उन्हें पकड़ पाएंगे। ये भी मैं वादा कर रहा हूँ कि आप उन विचारों को पकड़ पाएंगे, ईश्वर मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। तीसरी बात, चौथी बात है कि आप उनका जब कंटिन्यू करते रहे, जो मैं हमेशा भी कहता हूँ, आप जब जितना कंटिन्यू करते रहेंगे आपको बहुत फ़ायदा मिलता रहेगा। तो जब करेंगे तो जब का जो मंत्र का एक ओहरा होता है वो भी बड़ा पॉजिटिव आपको, तो पॉजिटिव तो आप होंगे ही सही और पॉजिटिव आप हो जाएंगे। ये एक और टेक्निकल जो एक बात है वो मैं आपको एड इसमें कर देता हूँ। पाँचवीं बात रही कि ये सब चीज़ों को फॉलो करने के बाद आपके मन में बहुत बार भटकाव का भी प्रभाव होगा। मतलब भटकाव से मतलब ये है कि आपको इन चीज़ों से आपके लिए एक अलग सा एक ऑफर आएगा, लेकिन आप चुनाव सही करें, मैं आपको फिर कह देना चाहता हूँ, क्योंकि ईश्वर की एक सबसे बड़ी खासियत है कि जो हुआ उनके हवाले, उनको वो परीक्षा बार बार लेते हैं, तो परीक्षा आपकी होगी। आप उन्हें समझे, सोचें और बिल्कुल शांत रखें, आप अपनी बुद्धि को शांत रखें और उस परीक्षा को शांति से दें, क्योंकि परीक्षा हर पल किसी भी वक्त आपकी हो सकती है, उस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। जय श्री महाकाल।